मसीह लोगों का काम चर्च में आके सिर्फ चंगाई लेना नहीं है, बल्कि अपने आप को तैयार करना है उस स्वर्ग के लिए जो हमारा असली घर है, अपने आप को तैयार करना उस राज्य के लिए जो आने वाला है, जो असली है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अभिषेक के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए। अगर परमेश्वर से आप मांगेंगे, परमेश्वर मुझे कैंसर है, मुझे चंगा करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अगर परमेश्वर आपको ना दे तो क्या कर लेंगे आप परमेश्वर का? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप परमेश्वर का? उसको मानना छोड़ देंगे और इससे क्या ज्यादा क्या कर लेंगे? कौन सा परमेश्वर को पकड़ लेंगे? लिखा, मैं जिस किसी पे दया करनी चाहूं उस किसी पे दया करूंगा, जिस पे कृपा करनी चाहूं उसी पे कृपा करूंगा। इसीलिए वो औरत नाराज नहीं हुई, क्योंकि जो नाराज भी है वो मूर्ख लोगों के दिलों में रहती है। आपकी चंगियाई आपको इतना उत्साहित ना कर दे कि वचन से बाहर हो जाए, प्रभु से नाराज हो जाए। प्रभु से नाराज होने पर प्रभु का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा, जो भी जाएगा। जब आपका दिल बदलेगा दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। चंगियाई मांगो, इतनी ना मांगो कि स्वर्ग को गवा दो चंगियाई के लिए। बाइबल में लिखा, एलीशिबा बांझ थी, प्रभु की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन फिर भी वो बांझ थी। लेकिन एंड में जब परमेश्वर ने दिया तो आप जानते हैं उसे कैसा दिया। अगर परमेश्वर हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करते, कई बार हमें चेक करने के लिए ठोकर ना खाओ, नाराज ना हो परमेश्वर से, आपके दिन आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 24 उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ूंगा। 24 मत्ती, मैथ्यू 24 उसकी 3 से 3 से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यानी जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे बहुतों को भरमाने के लिए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सब कहें आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। मसीह लोगों का काम चर्च में आके सिर्फ चंगाई लेना नहीं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने के लिए चर्च में आना नहीं, बल्कि अपने आप को तैयार करना है उस स्वर्ग के लिए जो हमारा असली घर है। आमीन। अपने आप को तैयार करना उस राज्य के लिए जो आने वाला है, जो असली है। अपने पड़ोसी को बोलो, चौकस रहो। आज मैं आपको इंटरटेनमेंट देने के लिए मैं चर्च में नहीं आता हूं। प्रोफेसी इंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपकी आंखों को फिट करने के लिए, सेट करने के लिए स्वर्ग राज्य पे। आमीन। ताकि आप समझ जाए कि जो चमत्कार हो रहे हैं इसका मतलब जीवित परमेश्वर यहां पे, और जो जीवित परमेश्वर कह रहे हैं वो आप हमने मानना, अपने पापों को छोड़ना। बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में कितने लोग हम जानते हैं, टीवी पे, नेट पे खबरें आ रही, इराक में जहां जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, मसीह लोगों के सिर काटे जा रहे हैं, और वो लोग विश्वास में अब तक बने हुए हैं। इस चर्च का काम, मसीह लोगों का काम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए चर्च में अपने लिए आना नहीं, कि अपनी चंगाई के लिए, अपनी बरकत के लिए। कल सोमवार, परसों मंगलवार और बुधवार हम 3 रोजे रखेंगे, और चर्च में मैं रोज आऊंगा शाम को 7 से 8 प्रार्थना करने के लिए उन लोगों के लिए। और अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यहां नहीं आ सकते तो अपने घरों में प्रार्थना करना।
बाइबल में लिखा है अपने भाई के लिए प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा प्रार्थना करता रहे और जागता रहे। लिखा अंत में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमने बाइबल में बड़े बड़े विश्वासी लोगों को सुना, हमने अब्राहम को सुना, हमने दाऊद को सुना, हमने सुना अब्राहम को बेटा चाहिए था, लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसे कहा था अब्राहम इस देश को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे कितना वायदा लंबा परमेश्वर ने उसके साथ किया। और बाइबल में लिखा जब 24 साल बाद भी उसे बेटा नहीं मिला तो अब्राहम, जब उसका नाम अब्राहम था, अब्राहम बाद में बना, अब्राहम जब प्रार्थना कर रहा था, अब्राहम उसके सामने दूत दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अगले वर्ष में इसी समय तेरे एक बेटा होगा। और बाइबल में लिखा अब्राहम ने कहा कि मेरी पत्नी, वो ऐसा सोच रहा था कि मेरी पत्नी बूढ़ी है और मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बांझ है। बाइबल के मुताबिक अब्राहम जो था, चाहे वो यकीन कर चुका था, अपने मन में शत्रु भी विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं, अब मेरे बच्चा नहीं होगा, लेकिन तभी भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, तब भी वो परमेश्वर के साथ खुश था, तभी भी उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं की और परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? क्योंकि हर एक अच्छा विश्वासी, हर एक आत्मिक विश्वासी, हर एक असली विश्वासी जानता है कि ये दुनिया उसका घर नहीं है। हर एक असली विश्वासी जानते हैं कि ये आशीषें अगर उसे स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं तो मुझे ये आशीष नहीं चाहिए। अगर ये चंगाई मुझे स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं तो मुझे ये चंगाई नहीं चाहिए। इसीलिए अब्राहम ने अपनी चंगाई को अपने सिर पे हावी नहीं होने दिया। इसलिए अब्राहम ने अपनी बरकत को अपने सिर पे हावी नहीं होने दिया कि अगर परमेश्वर तुमने मुझे अपने देश से, अपने परिवार से निकाल के यहाँ भेजा है और अभी भी अगर तुम मुझे बच्चा नहीं देगा तो मेरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या मुझे क्या कहेंगे, मैं तुझे मानूंगा नहीं, मैं तेरे वचन पे नहीं चलूंगा, चल चल सारा किसी बाबे के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा है अब्राहम एक ऐसे स्वर्ग, ऐसे नगर की बात जो रहा था जो स्वर्गीय है, यानी उसे पता था ये उसका घर नहीं है। अब्राहम जानता था कि ये धरती उसका घर नहीं है। अगर उसे आशीष मिलती है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलती तो इस आशीष के लिए वो अपने आत्मिक जीवन को, यानी अपने स्वर्गीय घर को खराब करने वाला नहीं है। आपका और मेरा ये काम है, हमारी सेवकाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, हमारी आशीष कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो जाए, कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमारा ध्यान सिर्फ स्वर्ग पे रहना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ वहां रहना चाहिए जहां हम जाने वाले हैं। ये काम इसलिए होते हैं, ये लंगड़े चलते हैं, पथरियां बाहर आ गई, कैंसर ठीक हो गई, ये इसलिए कि आप विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह इकलौता एकमात्र जीविता परमेश्वर है और मुझे उसके वचन पर विश्वास करना है और मुझे उस नरक के लिए तैयार नहीं रहना जहां आग नहीं बुझती, जहां कीड़ा नहीं मरता। 2 मिनट अगर आग में हाथ चला जाए तो कितने दिन हाथ में दर्द होते हैं। नरक की आग लिखा कभी बुझनी नहीं, कभी नहीं बुझनी। अगर एक बार एंट्री मारी तो नरक की आग लेकर कभी नहीं बुझनी, वहां कीड़ा कभी नहीं मरता। लोग अगर एक टांग में जख्म में कीड़ा पड़ जाए तो उनको पता चलता कि कीड़े का मतलब क्या, टांग काटनी पड़ लिखा वहां कीड़ा मरता ही नहीं। अब्राहम इसलिए नहीं, उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ मेरे बेटा नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन जो सबसे अधिक जरूरी है वो मेरा स्वर्ग राज्य है, वो मेरा आत्मिक जीवन है। बाइबल में लिखा जब दाऊद अपने राजे के साथ लड़ने के लिए गया, वापस आने पर अपने लोग क्या देखा उसने अपने एरिया में, जब सिकलग में वापस आया, देखा उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके लोगों को, उसके योद्धाओं के पत्नी और बच्चों को लोग बंदी बना के ले गए। जब दाऊद को इतनी भारी मुसीबत आई, लिखा उसके उसके अपने लोग बोलते कि दाऊद को पत्थरवा कर दो। लिखा दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा और परमेश्वर के पास जाके पूछा, परमेश्वर क्या तू चाहता है कि मैं उन लोगों को जाके छुड़ा के लेके आऊं, क्या तू चाहता है मैं अपने दुश्मनों का पीछा करूं। कोई व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता जब तक उसका ध्यान आत्मिक ना हो।
एक व्यक्ति का एक रात में सारा कुछ उजड़ जाए, उसका बिजनेस, उसके पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ चला जाए, और फिर भी वो परमेश्वर को बोले, परमेश्वर क्या मैं उन्हें लेने के लिए जाऊं? क्या वो दुश्मन जो उन्हें लेके गए हैं, क्या मैं उन्हें छुड़ा के लेके आऊंगा? असली विश्वासी उस दिन पता चलता है उसका, जिस दिन उसको दुख आता है। सभी विश्वासी हैं आज चर्च में, लेकिन किसी का कोई पता नहीं। दुख आने में पता चलता है आपके अंदर क्या है। कितनों को समझ आई मेरी बात? दुख आने पर पता चलता है उसके अंदर क्या है। जब उसके घर में कोई मरता है तो उसके पता चलता है उसके अंदर क्या है। वो परमेश्वर को कोसता है या परमेश्वर की तारीफ करता है? अय्यूब की तरह, देख तूने दिया, तेरा नाम धन्य हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दाऊद परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं उन्हें लेने के लिए वहां जाऊं या ना जाऊं? और परमेश्वर कहते हैं जाओ। दाऊद हां सुनने के लिए भी तैयार था, ना सुनने के लिए भी तैयार था। इसलिए नहीं क्योंकि दाऊद भी एक बात जानता था कि उसका असली घर स्वर्ग में है। वो जानता था कि ये दुख चाहे जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन इसको मैं इतना मौका नहीं दूंगा कि ये मेरे और परमेश्वर के जो संबंध है उन्हें खराब करें और मुझे नरक का अधिकारी बनाए। बेहतर यहां दुख उठाओ लेकिन स्वर्ग में चले जाओ। और अगर ये माइंड आपने सेट कर लिए इस मेंटेलिटी से, तो यीशु मसीह के नाम से आप यहां भी सुखों में रहेंगे सदा के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगे। सोचो अपने दिमाग से, एक विश्वासी जिसके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एक रात में उसका सब कुछ उजड़ जाए, और वो प्रभु से पूछ रहा है, परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं? उसने नहीं कहा, परमेश्वर को प्रेशराइज नहीं किया। जो असली विश्वासी है, जो दिल से विश्वासी है, वो कभी परमेश्वर से नाराज नहीं होता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो कभी ठोकर नहीं खाता। दाऊद की बात सुनो, उसने एक ही बार नहीं कहा, परमेश्वर क्यों ऐसा किया? तेरे वचन में तो लिखा है तू अपने दूतों को भेजेगा, तेरे पांव में पत्थर ठेसने लगेगी, मेरा तो पूरा परिवार चला गया एक रात में, तू कहां था? कहता, परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं? जो असली विश्वासी उसका ध्यान वहां है ऊपर स्वर्ग पे। जो असली विश्वासी है वो स्वर्ग की ओर देख रहे हैं। वो जानते हैं कुछ भी हो जाए मुझे वो स्वर्ग खाली नहीं, उस वहां स्वर्ग में जाना है, वहां वहां की सीट को खाली नहीं छोड़ना जो मेरे लिए रखी। भाइयों बहनों, प्रभु के लोगों, शैतान सोया नहीं है, वो सोया नहीं हुआ। वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं, उसे पता है वो आखिरी दिनों में। शैतान जानता है वो आखिरी दिनों में, वो जानता है आखिरी दिनों के वो आखिरी पलों में। वो नहीं चाहता, वो चाहता है जितने को हो सके वो खींच लाए। अगर आप इस समय मसीह लोगों की स्टोरीज को सुनेंगे तो जो बड़े बड़े आत्मिक लोग हैं उनकी जिंदगी में शैतान बड़ी बड़ी परत को, बड़े बड़े दुखों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक है, शैतान जानते हैं। और जब बड़े दुख उनकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं। इसीलिए फैसला किया हम 3 दिन फास्टिंग में जाएंगे, यहां प्रार्थना करने के बाद 8 बजे 7 बजे के बाद हम रोजा खोलेंगे 3 दिन लगातार, और इसका असर आप स्वर्ग के परमेश्वर से पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसका असर आप स्वर्ग के परमेश्वर से पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? कोई शक नहीं, हो सकता है आप मुश्किल में हैं, आप बीमारी में हैं, आपको बरकत चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। चंगाई मांगो, इतनी ना मांगो कि स्वर्ग को गवा दो चंगाई के लिए। बाइबल में लिखा एलीशिबा बांझ थी, प्रभु की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन फिर भी वो बांझ थी। लेकिन एंड में जब परमेश्वर ने दिया तो आप जानते हैं उसे कैसा दिया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें आज? दाऊद इसलिए, क्या कारण था दाऊद का इतना बड़ा दुख उसकी जिंदगी में? क्या कारण था? दाऊद अभी भी कह रहा, परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं पीछा करने के लिए जाऊं या ना जाऊं? जब ध्यान स्वर्ग पे होगा, जब ध्यान परमेश्वर के उस आत्मिक घर पे होगा,
आप कभी मौका नहीं देंगे आपके संसारिक दुख को कि वो आपके ध्यान को उस घर से हटा दे। जो असली विश्वासी है कभी नाराज नहीं होता है। धन्य वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, बाइबल में लिखा है यहूना जो जिसने परमेश्वर को बपतिस्मा दिया, जब परमेश्वर उसकी ओर चल के आ रहा था कहता है ये जगत का मेमना है जो पाप उठा के लेके जाता है, अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिन बाद जेल में हो गया और जेल में परमेश्वर को एक ताना मारता है यीशु मसीह को, कहता परमेश्वर को जाके पूछो जेलो कि तू ही है कि हम किसी और की बात जो है। कितनों को समझ आई मेरी बात? यूहन्ना ने कहा कि अपने चेलों से जाओ यीशु मसीह जाके बोलो कि तू ही है मसीह या हम दूसरे की बात जो है। उसका कहने का मतलब यह था कि अगर तू मसीह है तो मैं जेल में क्यों, अगर तू मसीह है तो मैं इस बंधन में क्यों, क्या तू ही मसीह है या मैं किसी और की बात जो हूं। बाइबल में लिखा उसने ताना मारा परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा उसके चेलों से लंगड़े चंगे करके अंधों को आंखें देंगे, कहा ये लो अंधे देखते, लंगड़े चलते, गोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए, धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना से कहे तो मैं ही हूं, मैं ही हूं, अब देखो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मैं ही वो मसीह हूं, लेकिन धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए, क्योंकि यूहन्ना ने परमेश्वर के नाम के कारण ठोकर खाई। वो चाहता कि परमेश्वर आए और उसे बचाए। अगर परमेश्वर हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करते, कई बार हमें चेक करने के लिए ठोकर ना खाओ, नाराज ना हो परमेश्वर से, आपके दिन आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। लेकिन बाइबल में लिखा है एक विश्वासी का ध्यान आत्मिक होना चाहिए। यूहन्ना ने ठोकर खाई किस लिए? अपने शब्दों को जो विश्वासी इस्तेमाल नहीं कर सही रीति के साथ। अपने शब्दों से आप मर सकते हैं, अपने शब्दों से आप जी सकते हैं। उस सामरी औरत ने कहा परमेश्वर को, परमेश्वर कुत्ते भी वही चूचा रखा था जो बालकों की मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। और यूहन्ना को कहा धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना ने ठोकर खाई परमेश्वर के नाम के कारण, और बाइबल लेकर थोड़े दिनों के बाद उसका सिर कट गया और वो परमेश्वर के पास चला गया। एक भी लाइन बताओ जब दाऊद ने परमेश्वर के साथ नाराजगी जाहिर की हो, उसकी जिंदगी में क्या नहीं हुआ, कितने दुख और मुसीबतें नहीं आई, लेकिन बाइबल में लिखा उसका ध्यान स्वर्ग पे था। अगर आपका ध्यान स्वर्ग पे है, शैतान आपको इन आशयों से रोक नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपको इस दुनिया के लिए रखी हुई है, जो चंगाई आपके लिए रखी है। आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। लेकिन बाइबल में लिखा आपका ध्यान, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित होना चाहिए। चंगाई आपके आत्मिक उद्धार के लिए, चंगाई इसलिए कि आप प्रभु यीशु पे विश्वास कर सके, अपने पाप छोड़ सके और आपकी आत्मा जो स्वर्ग में जा सके। बाइबल में लिखा, आपको शायद ये कहानी लगती होगी, लेकिन बाइबल में लिखा नूह के समय भी नूह बोलता था बारिश आने वाली है, लोग बोलते कौन सी बारिश, कौन सा बाढ़, कौन सा फ्लड, क्या नूह बातें करता है जल। बाइबल में लिखा वो विवाह करते थे, ऐश करते थे, घूमते थे, पेड़ लगाते थे, लेन देन करते थे, लेकिन बाइबल में लिखा जब बाढ़ आई तो लोगों को बचने का चांस नहीं मिला। हमें लगता है यीशु मसीह के आने में देर है। पूरी दुनिया की खबरें सुनो, क्या जाति जाति पर चढ़ाई नहीं कर रही? सच बताओ अपने हाथों को उठा के, क्या जाति जाति को कितने लोग न्यूज देखते हैं? हाथ खड़ा करो, क्या आप नहीं पढ़ रहे न्यूज? क्या आप न्यूज नहीं देख रहे? क्या जाति जाति पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या राज्य राज्य पर चढ़ाई नहीं कर रहा? यीशु मसीह ने कहा मैं चोर की नहीं आने वाला हूं। अपने हाथों को उठा के बोलो प्रभु यीशु मसीह आज रात को आ जाइए। आमीन। ये चमत्कार इसलिए कि हम विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। और आगे का काम है अपने स्वर्गीय घर की ओर ध्यान देना। धन्य वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, यीशु मसीह ने कहा धन्य होगा तू अगर तू मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अलग अलग बातें सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ा, लेकिन धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए।
हमें लगना चाहिए होना ने शायद अपने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु तू ही है कि हम किसी और की बात नहीं। उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने एक ताना मारा परमेश्वर को, ठीक है तू ही मसीह है, अगर तू मसीह तो मुझे छुड़ाने के लिए नहीं क्यों नहीं आ रहा। परमेश्वर ने कहा धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर न खाए। दाऊद इसलिए आशीषित था, उसका ध्यान स्वर्गीय था, उसका ध्यान आत्मिक बातों की ओर था, इसलिए दुख आने पर उसने कभी मौका नहीं दिया कि ये दुख उस पर इतना हावी हो जाए कि वो अपने स्वर्गीय घर को भूल बैठे। आपके बच्चे की आशीष आप इतनी हावी हो जाए आप स्वर्गीय घर को भूल बैठे, आपकी चंगाई की आशीष आप इतनी हावी हो जाए, इतनी डिमांडिंग हो जाए आपकी चंगाई, मुझे चंगाई चाहिए ही चाहिए, वचन से बाहर क्यों ना लेनी पड़े। इसका मतलब आपका ध्यान आत्मिक नहीं है। आपकी चंगाई आपकी बरकत टेम्परेरी होगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन लगातार नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं। आपकी ब्लेसिंग लगातार नहीं रहेगी, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी अगर आपका ध्यान आत्मिक नहीं है। शैतान सोया हुआ नहीं है, वो जानता है आखिरी दिन आ चुके हैं, वो जानता है मैं आखिरी दिनों के आखिरी पलों में हूं। वो कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जाने की, वो कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को परखने की, क्योंकि वो जानता है उसके पास थोड़ा समय बाकी रह चुका है। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो, सात बार बोलो जागते रहो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ फिर से एक बार, वो परमेश्वर मेरे ध्यान को आज आत्मिक कर दे। को याद है बाइबल में लिखा पत्रस को लोगों ने पकड़ लिया था मारने के लिए, और लिखा कलीसिया एक मन हो के एक लोगों के प्रार्थना करती रही, और परमेश्वर ने पत्रस को दूत बुला के दूत भेज के छुड़ाया। कितनों को कितनों ने पढ़ा है कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको यहां पे नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं न्यूज ले रहा हूं पूरी दुनिया से। बाइबल में लिखा पत्रस याकूब और यहूना कलीसिया के खंभे समझ जाते, कलीसिया के खंभे यानी जिन पे कलीसिया खड़ी थी। ऐसी न्यूज में ले रहा हूं जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, बड़े बड़े पास्टर्स हैं, उनकी लाइफ में जो शैतान काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जान चुका हूं शैतान मुश्किल में है, वो जानता है उसका आखिरी समय आ चुका है। आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप चाहें तो उसको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको यहां पे नहीं बता सकता कि शैतान किस तरह से उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लेवल पे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा जब शाऊल ने कलीसिया के घरों में जाकर उनको उजाड़ने के लिए चिट्ठियां ले ली यानी अधिकार ले लिया था, तो क्या किया था लोगों ने, बाइबल में लिखा लोगों ने प्रेयर की थी और परमेश्वर को प्रकट होना पड़ा शाऊल के रास्ते पे उसे रोकने के लिए। याकूब क्यों मर गया था परमेश्वर का चेला, क्योंकि जब वो मरा तो लोगों को पता नहीं था कि प्रार्थना करनी चाहिए अपने अपने पास्टर्स के लिए, अपने अपने सेवकों के लिए। जब याकूब मरा तो विरोधियों ने पत्रस को भी उठा लिया कि इसको मार दिया जाए, लेकिन बाइबल में लिखा जब कलीसिया ने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर को पत्रस को बचाना पड़ा। अगर इंजन खराब हो जाए तो डब्बे जितने मर्जी अच्छे हों वो चल नहीं सकते, और शैतान जानता है ये बात को, क्योंकि उसका आखिरी समय आ चुका है और वो जानता है किस तरह से ट्रबल दिया जाए परमेश्वर के लोगों को ताकि इनका विश्वास जाता रहे, इनका प्रेम ठंडा पड़े। कितने जागे हैं आज, कितने समझ रहे मेरी बात को। इसीलिए बाइबल ने लिखा सेवकों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान जानता है कि ये अगुवाई कर रहे हैं, शैतान जानता है ये आगे लेके जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा कितने समझ रहे हैं आज, कितने कितने कल से रोजों में जा रहे हैं, सोम मंगल बुध। आमीन। आपका काम और मेरा काम क्या है, हमारा काम है अपने भाइयों के लिए प्रेयर करना। हमारा काम सिर्फ अपनी चंगाई को मांगना नहीं है बल्कि अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना जो मुश्किल में है। जब तू औरों की खेती को सींचेगा तेरी खेती को परमेश्वर सींचेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर एक विश्वासी असली विश्वासी है, वो जानता है कि उसकी जिंदगी का सब कुछ परमेश्वर का है,
उसका पैसा परमेश्वर का है, उसकी ताकत परमेश्वर की है, उसका शरीर परमेश्वर का है, उसका हर वरदान, उसका हर गिफ्ट परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आमेन। टाइम आ चुका है उन लोगों के लिए प्रार्थना की जाए घुटनों पे और लगातार और परमेश्वर से मांग मांग के। आप जाते हैं आखिरी समय, प्रार्थना ना करना उन लोगों के लिए हमारे लिए एक पाप की तरह है। अगर उन पे बुरा वक्त है तो उनके लिए प्रार्थना ना करना हमारे लिए एक पाप की तरह है। बाइबल में लिखा अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो। पौलुस ने बार बार बाइबल में लिखा मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे जिसके लिए मैं कह दूं। एक विश्वासी की प्रार्थना रास्ते को खोलते हैं, एक विश्वासी की प्रार्थना शैतान की योजनाओं को खत्म करते हैं। जब कलीसिया ने लो लगा के जाने की एक मन हो गए लगातार प्रार्थना की लिखा परमेश्वर को पतरस को बचाना पड़ा, अपने दूत भेज के उनके जेलों में से पतरस को बाहर निकाला गया आधी रात को। अगर हम एक असली विश्वासी हैं तो हमारा दुख इतना बड़ा नहीं होगा कि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाएं। हमारा दुख इतना हावी नहीं होगा उस दुख के कारण हम पाप में चले जाएं। हमारी निराशा इतनी हावी नहीं होगी कि वो इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हमारा पाप करने को दिल करे और वो निराशा हमारी पाप की ओर अगुवाई करे। अपने पड़ोसी को बोलो जागता रहे, ऊंची आवाज में पड़ोसी को बोलो जागता रहे, जागता रहे, को जागता रहे। आमीन। हमारे कर्जे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसको देखते देखते हम गलत तरीके के साथ पैसा कमाना शुरू कर दें। अगर आपने अपने आत्मिक जीवन को आप रोज प्रोटेक्ट नहीं करते, सुरक्षित नहीं रखते, आप एक नकली मसीही हैं, आप एक बच्चा मसीही हैं। अगर आप अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित नहीं रखते ऐसे लोगों से, ऐसा ऐसे वातावरण से जो आपके विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। शैतान उन्हीं को मार पाता है जो चौकन्ने नहीं है, जो चौकस नहीं है। बाइबल में लिखा अगर तुम खड़े हो, अगर तुम स्थिर हो तो चौकस रहो कहीं तुम गिर ना जाओ। शैतान उन्हीं लोगों को गिरा पाता है जिनका आत्मिक जीवन में कोई भी ध्यान नहीं है, लेकिन जो आत्मिक जीवन के लिए चौकन्ने हैं शैतान उनको गिरा नहीं पाता कभी भी। दाऊद का दुख इतना इतनी अच्छी लगती मेरे को दाऊद की ये बात कि उसके सारे लोगों की पत्नियों बच्चों को ले गए, उसके अपनी पत्नी बच्चों को भी ले गए। अभी भी परमेश्वर पूछ रहा है प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं आपकी हां सुनने के लिए भी तैयार हूं, मैं आपकी ना सुनने के लिए भी तैयार हूं। शद्रक मेशक अभिद्रगो ने कहा था अगर हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे से छुड़ाए या ना छुड़ाए वो हमारा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। ये बात एक विश्वासी के बैक में रहनी चाहिए, माइंड में, उसके दिल और दिमाग पे छाई रहनी चाहिए कि मेरी अंजीर फल दे ना दे, दाखलताएं पे लताओं पे फल लगे ना लगे, लेकिन वो मेरा परमेश्वर, मैं उसकी सेवकाई में लगा रहूंगा। अगर आपको चंगाई की ज्यादा जरूरत है और शैतान इस बात को समझ जाए, हो सकता है वो चंगाई रोक के आपको टेम्प्ट, आपको परीक्षा में लेके जाने की कोशिश करे। वो जानता है एक विश्वासी गरीबी है, गरीब है और वो गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वो जानता है अगर दो नंबर का काम करना पड़ेगा तो ये दो मिनट लगाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा अगर वो गरीबी आपकी अगुवाई नहीं करेगी एक दिन आप अमीर होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर वो बीमारी आपकी अगुवाई नहीं करेगी कि मैं चर्च से ठीक नहीं हो रहा हूं मुझे कहीं और जाना चाहिए, फलाने ने कहे फलाना बड़ा सियाना है वो देखो जाकर देखो ठीक हो जाना, चलो प्रभु जल जा रहे सारे तेरे ही बंदे हैं मैं तेनु समय के सिर चुका रहा। अगर आपकी बीमारी आपकी अगुवाई कर रही है तो आप असली विश्वासी नहीं है। अगर आपकी गरीबी आप पे हावी हो चुकी है और आप दो नंबर से भी पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, आप एक असली विश्वासी नहीं। एक असली विश्वासी तीन टाइम की जगह एक टाइम खाएगा,
लेकिन वो परमेश्वर की रजा में रहेगा, परमेश्वर के वचनों में रहेगा, उसकी आत्मा के अनुसार चलेगा और एक दिन वो अपने आप को आशीषों से भरा भी देखेगा और परमेश्वर से साबित करेंगे तो मेरे वचनों के अनुसार चला। बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचनों पर चलना चट्टान पर घर बनाने की तरह, जो आसान नहीं है। लिखा दो व्यक्ति जिन्होंने चट्टान पे घर बनाया, दूसरे ने रेत पे बनाया, रेत वाले ने जल्दी खड़ा कर दिया। हम लोगों को देखते हैं दो नंबर का काम शुरू किया, देखते ही देखते कोठी बन गई, देखते देखते गाड़ी ले ली, देखते ही देखते क्या बल्ले बल्ले मोबाइल और सब अच्छी चीजें ले ली, लोगों की जीप से पानी निकलता उन्हें देख के। लेकिन बाइबल में लिखा जब आंधी आएगी वो घर गिरेगा तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना है, क्योंकि चट्टान पे घर बनाना आसान नहीं है, चट्टान को खोद के उसमें नींव डालना आसान नहीं है। जब चट्टान पे घर बनाते होंगे लोग तो पसीना आता होगा और जो रेत वाला कहता होगा मूर्ख ओ की करता तू, आ देख मेरी कोठी। क्योंकि रेत वाला जो घर बना रहा है वो जब चट्टान वाले को देखता है उसे वो मूर्ख लगता है, लेकिन चट्टान वाला दिल से जानता है मैं नहीं ये मूर्ख है, क्योंकि अभी आंधी नहीं आई है, अभी तूफान नहीं आया। जिसकी लाइफ में प्रिंसिपल्स नहीं है वो व्यक्ति कहीं का नहीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जिसकी लाइफ में परमेश्वर के बनाए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आज्ञाएं जो रीतियां हैं, अगर उसकी लाइफ में वो नहीं है वो व्यक्ति कहीं का नहीं। जिसकी लाइफ जो अपने परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है वो व्यक्ति कहीं का नहीं। शैतान जानता है इसे कभी भी ले जाओ नरक में। चट्टान वाले घर को लोग मूर्ख कह सकते हैं क्योंकि उसे पसीना आ रहा है, उसका रंग काला हो चुका है चट्टान पे घर बना बना के, लेकिन जब उसका घर बनेगा वो सदा के लिए होगा। जब उसका घर बनेगा आंधी तूफान आने पर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा होगा। ऐसे विश्वासी जिन्होंने बरकत को मना कर दिया, चाहे उनके घर में खाना नहीं था, चंगाई को मना कर दिया किसी बाबे से, चाहे वो जो जितना मर्जी बीमार थे चल नहीं पा रहे थे, एक समय आएगा जब वो हंसेंगे और सदा हंसते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक समय आएगा जब वो हंसेंगे और सदा हंसते रहेंगे। धन्य वो हंसी जो सदा की है लेकिन दुखों के बाद आए, लेकिन श्रापित है वो जो अभी आ जाए और कोई दुख उठाना ना पड़े और परमेश्वर के वचन से बाहर आए। हर वो चीज जिसमें परमेश्वर का वचन मिला हुआ नहीं है टेम्परेरी है आपकी लाइफ में, थोड़े दिनों के लिए आपकी लाइफ में, सदा के लिए नहीं है, जिसमें परमेश्वर का वचन जिसको पैक नहीं करता। चौकस रहो अपने पड़ोसी को फिर से ऊंची आवाज में कहो, फिर से कहो चौकस रहो। हालेलुया। आपको चौकस रहना है अपने आत्मिक जीवन के लिए। दाऊद स्वर्ग से उतरा हुआ इंसान नहीं था जब उसके बीवी बच्चे एक रात में चले जाएं। आज लोगों का एक चीज गुम हो जाए उनकी शक्ल देखने वाली होती है, वो ऐसा लगता है पता नहीं कब परमेश्वर को गालियां निकालना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग मैंने देखे और दाऊद का एक रात में उसके पत्नियां बच्चे, उसके लोगों की पत्नियां बच्चे, क्योंकि पुराने नियम में एक से ज्यादा पत्नियां होती थी लोगों की, दाऊद की एक से ज्यादा थी, सब ले गए। और दाऊद कह रहा प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, तारीफ करो परमेश्वर के वचनों की। एक रात में सारा कुछ उजड़ जाए फिर भी वो व्यक्ति शिकन ना रखे माथे पे और परमेश्वर को नाराज ना हो, ठोकर ना खाए। क्या देते हो तुम परमेश्वर को जब तुम धर्मी बनते हो? कौन सा फायदा करते हैं हम परमेश्वर को जब हम पवित्र भाई पे चलते हैं? जब हम पैसा बोते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं है, दिमाग से ध्यान देना वो आप लोगों के लिए, परमेश्वर ने जो रूल बनाया वो उसके लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे अभिषेक के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए। अगर हम नाराज हो परमेश्वर से तो क्या वो चिंता में पड़ जाता ऊपर?
परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है, लेकिन वो लोग जो वचन के बीच से हैं परमेश्वर के सामने। यहूना इमोशनल था, इमोशनल रीति से परमेश्वर पूछा, परमेश्वर तू यू है कि मैं किसी और दी बात जवा। परमेश्वर का धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। अगर परमेश्वर से आप मांगेंगे, परमेश्वर मुझे कैंसर है, मुझे चंगा करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अगर परमेश्वर आपको ना दे तो क्या कर लेंगे आप परमेश्वर का? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप परमेश्वर का? उसको मानना छोड़ देंगे और इससे क्या ज्यादा क्या कर लेंगे? कौन सा परमेश्वर को पकड़ लेंगे? लिखा, मैं जिस किसी पे दया करनी चाहूं उस किसी पे दया करूंगा, जिस पे कृपा करनी चाहूं उसी पे कृपा करूंगा। इसीलिए वो औरत नाराज नहीं हुई, क्योंकि जो नाराजगी है वो मूर्ख लोगों के दिलों में रहती है। जो नाराजगी है वो मूर्ख लोगों के हृदय में रहती है। इसलिए वो औरत ने कहा, परमेश्वर मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल। परमेश्वर ने कहा, नो 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 नो, कुत्तों को रोटी देना उचित नहीं है, मेरे बच्चों की रोटी, मैं इसराइलियों के पास भेजा गया हूं, कुत्तों को रोटी देना उचित नहीं। कहती परमेश्वर मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक आप उस कुत्ते को अपने बालकों की मेज से गिरी हुई रोटी ना देंगे, वापस नहीं जाऊंगी। वो जानती थी अगर मैं वापिस चले जाऊंगी तो क्या क्या कर लूंगी परमेश्वर का, परमेश्वर को कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर आप चर्च नहीं आएंगे, अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो। लोग बोलते हैं, अच्छा मैं चर्च जाने लिए तैयार हूं, जे परमेश्वर मेरा एक काम कर रहे थे मैं उन्हें मान लूंगा। मैंने कहा, परमेश्वर इतने एक्साइटेड नहीं है आपके लिए, वो आपसे प्रेम करते हैं, उसने दिखा दिया क्रूस पे, कहता सब कुछ पूरा हुआ, अब उसने कुछ करना नहीं है, आपने विश्वास करना है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। आमीन। अब आपने विश्वास करना है कि आपके लिए कोड़े खा लिए गए, आपकी गरीबी के लिए परमेश्वर आ चुके हैं। और लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन हम वो लोग नहीं जो दोषी को मारते हैं, दोषी को मार दो, इसने हमको माना नहीं, इसको खत्म कर दो। लिखा, उसे दोषी ठहराने वाला पिता होगा, हम नहीं, क्योंकि मूर्ख लोगों के दिलों में नाराजगी रहती है परमेश्वर के लिए। केनेथ हेगिन जो एक जबरदस्त विश्वासी सेवक का प्रभु के पास है, वो एक औरत थी उनकी चर्च में जो केनेथ हेगिन की बहुत सपोर्ट करती थी पैसों से, बहुत ज्यादा, और वो असली असली विश्वासी थी। एक दिन केनेथ हेगिन पुलपिट पे जा रहे थे प्रचार करने के लिए, किसी ने मैसेज भेजा उनके वॉलंटियर्स ने एक स्लिप पे कि वो औरत मर गई। उन्होंने पढ़ा वो औरत मर गई, फिर वो पुलपिट पे गए और 15 मिनट में मैसेज आया कि उस औरत को दबाने के लिए फलाने कब्रिस्तान में ले गए। केनेथ हेगिन ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे ब्लेस नहीं देखना चाहता तो उस औरत को मार दे। 15 मिनट बाद मैसेज आया, वो औरत उठ के खड़ी हो गई। और ये कोई भी, जो मैं गवाहियां आपको देता हूं, आप इंटरनेट पे इसकी जांच, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर साइंटिस्ट वहां बैठे होते हैं, आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो। सभी विश्वासी नहीं, इस चर्च में जितने आए आज सारे विश्वासी नहीं है, 10-15-20 लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखने के लिए आए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको परमेश्वर छुएंगे और ब्लेस करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। एक ऐसा विश्वासी है जो कंप्लेंट कर रहा है, प्रभु तू ही है कि मैं किसी और नु बुलावा, कि मैं किसी और दी बात जवां। और एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो उसको जिंदा कर सकता है, अगर तू मुझे आशीष देखना चाहता परमेश्वर से जिंदा कर दे। ये कंप्लेंट नहीं थी, ये एक प्रार्थना थी। जो एक असली विश्वासी है उसके मन में एक चीज है कि मैं परमेश्वर से लड़के ये आशीष लेने वाला हूं, परमेश्वर को बोल के आशीष लेने वाला हूं, पर अगर परमेश्वर ने ना सुनी तो भी मैं उसकी सेवकाई करूंगा, तो मैं उसकी सेवा करूंगा, तो भी मैं उसके घर में जाऊंगा, आनंदित रहूंगा परमेश्वर में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? एक असली विश्वासी परमेश्वर से लड़ सकता है कि परमेश्वर मेरे यूट्रस नहीं है पर मुझे पेटी चाहिए, पर अपने दिमाग में एक बात रखेगा, अगर वो ना भी आया तो भी तू ही मेरा परमेश्वर है। असली विश्वासी कभी नाराज नहीं रहता परमेश्वर से अपने दिल में,
क्योंकि क्रोध जो है वो मूर्खों के दिल में रहता है, बाइबल में लिखा हुआ है। असली विश्वासी कभी नाराज होगा? असली विश्वासी को बताएं, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो जानता है परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं और उसे सिर्फ परमेश्वर के हाथों में जलना है। आपका पिता आपका बुरा नहीं कर सकता, आपकी माता आपका बुरा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा अगर संसारिक पिता अपने मांगने वालों को, बच्चों को अच्छी वस्तु देता है, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। कितनों को समझ आ रही है आज? मैं जानता हूं आज मैं सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। असली विश्वासी कभी नाराज नहीं रहता परमेश्वर से, वो कभी ठोकर नहीं खाता परमेश्वर से, चाहे उसका काम हो या ना हो। मैंने ऐसे लोग देखे, कितने साल हो गए प्रभु में आए जी? 8 साल हो गए जी। तौबा कितनी है? बपतिस्मा नहीं लिया। मैंने कहा वो तौबा कौन सी है जो आपको बपतिस्मे से रोकती है? वो तौबा, ये रॉन्ग वर्डिंग्स पंजाब में पास्टर्स ने या किसी ने जिसने भी बनाई है कि तौबा अलग चीज है, बपतिस्मा अलग चीज है। तौबा के बाद अगर बपतिस्मा लेने में आधे घंटे से ज्यादा लग रहा है, वो तौबा तौबा नहीं है। कितनों को समझ आई मेरी बात? तौबा करने के आधे घंटे तक अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो वो तौबा तौबा नहीं। ये कौन सी तौबा है जो आप तौबा कर रहे हो, प्रभु मेरे पाप को माफ कर मुझे बचा, और बपतिस्मा ले रहे हो 2 साल बाद? ये कौन सी तौबा की आपने? ये तौबा नहीं की आपने, धोखा दिया आपने अपने आप को। असली तौबा वही है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे के द्वारा ही प्रभु स्वर्ग में नहीं भेजा, बाइबल में लिखा है उस पे डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया था और प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप क्रूस पे तो नहीं है? फिर आपको लेना चाहिए। आप मर तो नहीं रहे? अगर आपका आत्मिक जीवन आपकी प्रायोरिटी है, पहले नंबर पे है, जब इस दुनिया के लोग आपको देखेंगे आंखें उठा के देखेंगे क्योंकि आप इतने ऊंचे होंगे। ये सब आशीषें आपके लिए बनी है, लेकिन हमने इनका पीछा नहीं करना है। ये सब कुछ मैं जानता हूं मेरे लिए बना है, लेकिन मैं इनका पीछा नहीं करता हूं। मुझे इनका लालच नहीं है, मुझे इनकी भूख नहीं है। मैं जानता हूं एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का सेवक अगर परमेश्वर के पीछे चले, सिर्फ उसके काम को करे, तो सब वस्तु उसके पीछे पड़ के मिलती है। बाइबल में लिखा अगर हमारे पास खाने और पहनने में हो, इसी पर संतोष करना चाहिए। हमारे पास इतना पैसा हो कि हम प्रभु के काम कर सके, बस उसकी सेवकाई में कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन हमारे लिए हमको इतना लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि तो बाइबल में लिखा रुपयों का लोभ आपको अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो बाइबल पढ़ ताकि तुझे होश आए। केवल घरों में माए कहती है ना, ओए जाके मुंह तो तेन होश आए थोड़ी जी, बोलती है ना, बाइबल पढ़ो आपको होश आए। आमीन। बाइबल पढ़ो आपको होश आए। आपका ध्यान आपके स्वर्ग के घर की ओर रहना चाहिए। आपकी चंगियाई आपको इतना उत्साहित ना कर दे कि वचन से बाहर हो जाए, प्रभु से नाराज हो जाए। प्रभु से नाराज होने पर प्रभु का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा जो भी जाएगा। अगर एक सेवा ना करे परमेश्वर 10 खड़े कर सकते हैं, अगर एक चर्च ना है परमेश्वर 10 खड़े कर सकते हैं। हमारा आना हमारे बरकत का और ना आना हमारे लॉक्स का कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, हमें दिखा दिया कि उसने क्रूस पे हमारे लिए मारे गए, उसने कोड़े खाए, अब हमने विश्वास करना है, बाइबल में लिखा हुआ। आमीन। यीशु मसीह धर्म जाप्तों नहीं आपके जिंदगी को बदलने के लिए आए। जब आपका दिल बदलेगा दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ फिर से एक मिनट के लिए।